अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो, क्लास 12 मैथमेटिक्स की बैच चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी पाठ को देख लें, आपका जो है कि क्लास 12 मैथ की संपूर्ण पढ़ाई हो जाएगी। आप लोग पार्ट एक से देखें, आपको सीरियली और शुरुआत से मैथमेटिक्स का सभी चैप्टर का जो है थ्योरी और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि हम चैप्टर एक से शुरुआत कर चुके हैं तो आपको सभी एक के बाद दो का मिलेगा, दो के बाद तीन का मिलेगा, यानी आपको संपूर्ण मैथ्स की थ्योरी और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप लोग रोज देखते हैं तो आपका एक भी क्लास मिस नहीं होगा और आपको कहीं पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में, वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन, इनको हम क्या कहते हैं, एक एक फलन। इसका हिंदी क्या हो गया, देखो वन वन, वन मतलब क्या होता है, एक एक, समझ गया ना, एक जोड़ एक क्या हो गया, एक एक की, एक एक की, एक एक की का, देखो एक एक का विशेषण क्या होता है, एक एक होता है जी, जैसे वन वन हुआ ना, यानी एक जोड़ एक, मतलब एक एक, एक एक का विशेषण क्या होता है, एक एक ही होता है। तो देखो ये परिभाषा इस प्रकार से है कि ए फंक्शन एफ सच डेट ए टू बी, समझ गया ना, एफ जो है ए से बी में एक क्या है, फलन है। और देखो इज सेट टू बी वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन, ये एक एक ही फलन किए जाते हैं, समझ गया ना, एक एक ही फलन किए जाते हैं। इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, देखो डिस्टिंक्ट मतलब क्या हो गया, भिन्न, समझ गया ना, एलिमेंट्स मतलब क्या हो गया, अवयव, सेट के अंदर में जो भी अवयव रहते हैं, एलिमेंट मौजूद रहते हैं, ऑफ ए मतलब ए के भिन्न भिन्न अवयवों, हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी, ए के भिन्न भिन्न अवयवों का बी में क्या हो, प्रतिबिंब, समझ गया ना। डेट इज इफ एंड ओनली इफ, देखो अर्थात यदि और केवल यदि, इफ ये तो ये हो चुका है, एक्स वन डज नॉट इक्वल टू एक्स टू, कह रहा है कि यदि एक्स वन और एक्स टू आपस में बराबर नहीं हो, एक्स वन और एक्स टू आपस में बराबर नहीं हो, तब जो है आपको एफ एक्स वन और एफ एक्स टू का भी मान आपस में बराबर नहीं होगा। यदि एक्स वन और एक्स टू आपस में बराबर नहीं हो, समझ गया ना, तो आपको एफ एक्स वन और एफ एक्स टू का मान बराबर नहीं होगा। ये बराबर तब ही होगा जब एक्स वन एक्स टू क्या हो, एक ही चीज हो, दूसरा नहीं हो। तो देखो ऐसा आपको जो है ए के सभी एलिमेंट के लिए होता है, ऐसा नहीं कि मान के चलो कि हम एक्स वन एक्स टू लिए तो सिर्फ इसी के लिए होगा, यानी उस सेट के अंदर, ये तो दो मान लेके हम समझाए ना जी, मान उस सेट के अंदर में जितने भी एलिमेंट रहेंगे सबका लेके क्या करेगा, चेक करेगा ना, क्योंकि फलन का परिभाषा ही है कि ए के सभी अवयव का पद्वितीय प्रतिबिंब किसमें हो, बी में हो, है ना जी, तो सभी ना, तो इसलिए इसमें क्या लिख देते हैं, फॉर ऑल। उसके बाद देखो और इक्विवेलेंटली एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, कह रहा है कि यदि इसी के संगत, देखो अगर एफ एक्स वन किसके बराबर हो, एफ एक्स टू के बराबर हो, यानी एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर, यानी एफ एक्स वन का जो मान आएगा वही मान किसका आता है, एफ एक्स टू के मान आता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक्स वन और एक्स टू क्या है, बराबर है, यानी दूसरा नहीं है, फलन में होता है ना जी, यानी एफ वन से क्या दो मान प्राप्त कर सकता है, यस सर कर सकता है, नहीं कर सकता है, एक करता है, कल बताए थे ना, कभी कर ही नहीं सकता है। देखो इसका अर्थ क्या हो गया, जैसे मान के चलो कि फलन इस प्रकार से परिभाषित है, एफ एक्स बराबर क्या हो गया एक्स, तो हम क्या ले लेते हैं, दो ले लेते हैं ना जी, हम क्या ले लिए, दो बराबर दो, तो क्या होगा, दो होगा ना, हम क्या ले लेते हैं, फिर दो ले लेते हैं, तो क्या प्राप्त होगा आपको, दो ये प्राप्त कि तीन प्राप्त हो जाएगा, दो प्राप्त होगा कि तीन प्राप्त होगा, दो होगा ना। तो कहने का अर्थ हो गया कि ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर हम ले लेते हैं एफ एक्स वन और एक्स वन का मान हम क्या ले लिए हैं, वन ले, दो दो, देखो एफ एक्स वन, यहाँ पर एक्स वन का हम मान क्या ले लिए, दो,
तो एफ एक्स वन का मान क्या निकल के आया? दो निकला ना। अगर हम यहाँ पर ले ले कि एक्स टू का मान दो है, एफ एक्स टू का मान दो है, तो फाइनली एक्स टू का मान क्या होगा? एफ वन के बराबर होगा, एक्स वन एक्स टू दो होगा, दो है ना जी सर। दो यदि आपको देखो एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स है ना, तो एक्स वन बराबर हम क्या मान लिए है, दो मान लिए, एक्स वन बराबर क्या मान लिए, दो। तो हम एक्स वन ले लिए, तो एक्स वन का मान क्या माने हैं, दो माने हैं ना। तो देखो एक्स वन की जगह क्या रख दोगे, दो। अब देखो फलन कैसे परिभाषित है, तो एफ एक्स बराबर एक्स, फलन किस प्रकार से परिभाषित है, एफ एक्स बराबर एक्स, यानी यहाँ पर अगर दो रहेगा तो यहाँ पर दो होगा, और यहाँ पर दो रखेगा तो यहाँ पर दो हो गया ना जी, नहीं होगा। मतलब x का मान देखो, ये जो है ना x1, यहाँ पर x1 कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं जी। तो x1 का मान क्या मान चुके हैं, दो। ये यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो गया, दो हो गया ना। हम कहते हैं कि fx2 का भी मान दो है, fx2 का भी मान दो है। इसका अर्थ ये हो गया कि जो x2 जो है इसका मान क्या होगा, दो। दो होगा ना जी। x2 का मान क्या होगा, दो। दूसरा मान नहीं है, तो बोलो इस प्रकार से आप क्या पाते हो कि x2 का भी मान क्या है, दो ही नहीं जी। तो देखो x1 का मान दो, x2 का मान दो, तो बोलो x1 बराबर क्या होगा, x2 नहीं होगा, x1 बराबर क्या होगा, x2। दोनों बराबर है, समझ गया ना। अगर दोनों बराबर नहीं होगा तो उसके फलन का मान बराबर होगा ही नहीं। देखो बराबर नहीं होगा सर, बराबर कर देंगे। हाँ बराबर नहीं होगा तो मान के चलो कि वन वन फंक्शन नहीं होगा, बराबर नहीं होगा तो वन वन फंक्शन नहीं होगा। हे वो जो दिया सर, उसमें तो बराबर नहीं है। नहीं तो ये देखो, ये कह रहा है कि एलिमेंट जब बराबर नहीं है तो इसके फलन का भी मान न बराबर है, कौन को उल्टा के पकड़ो कि उल्टा के पकड़ो। इसका अर्थ क्या हो गया जानते हो, यदि दो एलिमेंट हम ले रहे हैं किसी सेट का, दो एलिमेंट किसी सेट का ले रहे हैं, जैसे मान के चलो कि वन और टू ले लिए, आपको सेट ए में क्या है, वन और टू एलिमेंट है, फलन इस प्रकार से परिभाषित है, एफ एक्स बराबर क्या हो गया आपको, एक्स, एफ एक्स वन बराबर क्या हो गया, एक्स हो गया ना। तो बोलो एफ वन लेगा तो क्या प्राप्त होगा, वन प्राप्त होगा। एफ टू लेगा तो क्या प्राप्त होगा, टू प्राप्त हुआ ना जी। तो क्या देखते हो कि यदि एक्स वन बराबर हम मान ले क्या, वन, एक्स टू बराबर हम मान ले टू, एक्स वन बराबर हम क्या मान लेते हैं, वन, एक्स टू बराबर हम क्या मान लेते हैं, दो। तो बोलो एफ वन, एफ वन का मान क्या प्राप्त हुआ है आपको, वन। एफ टू का मान क्या प्राप्त हुआ, दो है ना जी। तो एफ वन के बराबर जो है, एफ दो है, एफ वन के बराबर दो है। अब देखो एफ वन को हम क्या लिखे हैं, देखो ये जो वन है इसको हम क्या माने हैं, एक्स वन माने हैं जी। तो वन की जगह हम क्या रख सकते हैं, एक्स वन। ये आपको कट्टो का साइन हो गया, डज नॉट इक्वल टू, ये यहाँ पर क्या रखोगे, एक्स टू। क्यों दो की जगह एक्स टू रखे, दो की जगह क्यों रखे, एक्स टू का मान है। यहाँ देखो दो का मान क्या है, है ना, माने है ना, तो इसलिए दो की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स टू रखेंगे ना। तो देखो ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि एक्स वन जो है एक्स टू के बराबर नहीं है। कहने का अर्थ हो गया कि यदि दोनों एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है तो उसके फलन का मान भी बराबर नहीं होगा, समझ गया ना। ये रोटी के मुंह की तरह है ये जो बात है, यानी इसका अर्थ हो गया कि x1 x2 के बराबर नहीं है, x1 x2 के बराबर नहीं है, तो उसके फलन का भी मान बराबर नहीं होगा, समझ गया ना। दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि और इक्विवेलेंटली एफ एक्स वन और एफ एक्स टू आपस में बराबर है, एफ उसके फलन का मान क्या है, बराबर है, बराबर है। एक ही चीज हुआ, घुमा फिरा के दिया है, समझ गया ना। यानी एफ एक्स वन और एफ एक्स टू का मान क्या है, बराबर, बराबर है।
तो इसका अर्थ हो गया कि एक्स वन और एक्स टू आपस में क्या है बराबर, समझ गया ना। देखो बात है क्या, यदि एक्स वन एक्स टू बराबर नहीं है तो फलन का मान बराबर नहीं होगा। यदि फलन का मान बराबर है तो एक्स वन और एक्स टू क्या है आपस में बराबर है ना। यदि यहीं पर एक्स वन और एक्स टू बराबर हो जाता तो क्या फलन का मान बराबर नहीं होता। ये बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि एलिमेंट का मान बराबर नहीं है, समझ गया ना। एलिमेंट का मान बराबर नहीं है तो इसलिए ना फलन का मान बराबर नहीं हुआ। जी सर। देखो ये वन और यहाँ पर क्या है टू है, तो वन और टू बराबर नहीं है। एक चीज ये भी बोल सकते, मतलब ये पूरी तरह से तोड़ के तुमको समझा देते हैं कि आप कहीं भी जो है ना किसी प्रकार के एग्जांपल में अटको नहीं। तो देखो समझ चुका है इसके सिंबल मैथमेटिकल सिंबोलिक फॉर्म को। कौन सी एंड ओनली, ये तुमको इंग्लिश में हो रहा है पढ़ने के लिए पड़ेगा ना। एक्स वन एक्स टू बराबर नहीं है, इम्प्लाइज होता है एफ एक्स वन डज नॉट इक्वल टू। तुम इंग्लिश में जानता है ना, तो तुम पड़ेगा कि एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर नहीं है। अब सोल मतलब क्या हो गया, सभी सभी के लिए, सभी उसको सभी के लिए बोला। हाँ सभी के लिए फॉर ऑल होता है सभी के लिए। तो देखो सभी के लिए एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट होगा सभी एलिमेंट के लिए सबका सदस्य होगा, सबका सदस्य होगा, ये सेट है। एक्स वन एक्स टू क्या है सदस्य, यानी अभी तो दुइये को लिए है एक्स वन एक्स टू। अब तुम सेट ए में दुइये को एलिमेंट होगा और एलिमेंट हो सकता है जी, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एम तक न जाएगा, जा सकता है। तो मतलब अगर हम दो को एलिमेंट है तो दोनों एलिमेंट, समझ गया ना। अगर तीन को एलिमेंट है तो तीन को एलिमेंट के लिए भी चेक करेगा, चार को है तो चार के लिए। फॉर ऑल मतलब क्या, यानी सेट ए में जितने एलिमेंट है सभी के लिए, यानी दो को एलिमेंट है तो दो को के लिए, तीन को है तो तीन को के लिए, चार को है तो, इसलिए ना फॉर ऑल लगा देते हैं सभी के लिए। ऐसा नहीं कि दुइये को एलिमेंट लिए तो दुइये को जो उसके छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है, सभी के लिए होता है। सेट ए में जितना एलिमेंट होगा, सेट ए में जितने भी एलिमेंट रहेंगे। तो ये आपको वन वन फंक्शन का क्या था डेफिनेशन ना था जी, एक का एक। अब देखो इनका जो है एस डेफिनेशन लिख लिया था, यानी ए के भिन्न भिन्न अवयव का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी देखो वन वन एक एक, यानी एक का एक, एक एलिमेंट का क्या हो एक प्रतिबिंब, एक एलिमेंट का क्या हो एक प्रतिबिंब, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी। अब चलो हम फिगर के माध्यम से इनको सही तरीके से हम समझते हैं। लाओ तो कपड़ा, परिभाषा को मिटा। देखो एग्जांपल में देखो दो सेट ए और बी ले लिए, ए और बी क्या है सेट है, ए और बी क्या है दो सेट है। सेट एम देखो एक्स वाई और जेड एलिमेंट है। सेट ए में कितने एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, ये हो गया, ये बी सी, ये सी हो गया। देखो एक्स ए से संबंधित हो, वाई बी से देखो जेड किस से संबंधित है, सी से है ना जी। तो देखो एक एलिमेंट का क्या हो गया, एक को प्रतिबिंब बना, एक को प्रतिबिंब समझ गया ना। तो एक का एक, यानी एक एलिमेंट का एक इमेज क्या हो बी में हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्या हो गया वन वन सर जी फंक्शन उतारो। देखो अगर मान के चलो कि का मान हम बी में जाता तब ये कभी फोन नहीं होता, जैसे एक एलिमेंट दो को इमेज बना देता एक्स का तब ना होता। देखो अगर एक्स का दो को प्रतिबिंब होगा तो सबसे पहले फलन ही नहीं होगा जी सर, फलन नहीं होगा ना। ये देखो ये लड़का, ये तू चौपट कर भी रे, हमने सर वही बात फलन के इतने बढ़िया से डिफाइंड कर लिए, यानी एक के जो छे क्या लिखा है, ए के सभी एलिमेंट का अद्वितीय प्रतिबिंब, यानी ए में जो एगो एलिमेंट रहते है ना वो दू गो इमेज नहीं बनते,
एगो में ये में एगो एलिमेंट रहते है ना, दूगो इमेज नहीं बना सकते हैं, इसलिए ना अद्वितीय उसी को न कहते हैं जी, जी। यानी दो एलिमेंट का एक प्रतिबिंब हो सकता है, दूगो एलिमेंट का एगो प्रतिबिंब होगा, लेकिन एगो एलिमेंट का दूगो प्रतिबिंब नहीं होगा। यही ना वन वन फंक्शन है, यही ना आपको फंक्शन है जी, यानी दो गो एलिमेंट का जो है एक इमेज हो सकता है, लेकिन एक इमेज का दो प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। देखो यानी आपको जैसे x ये बनाया है तो y भी ये नहीं बना सकता है, तभी ना वन वन हम नहीं कहेंगे, नहीं बनाए तभी ना हम वन वन कहेंगे जी, अगर बना दिया तो वन वन हम नहीं कहेंगे। हाँ अगर मान के चलो कि वाई का इमेज ये भी है तो भी क्या होगा, ये फलन होगा, समझ गया ना, तो वाई पुनः बी से नहीं जुड़ा होना चाहिए, यस सर, तब दूसरा एलिमेंट, समझ गया ना, तो इनको उतार लीजिए। अच्छा वन वन फंक्शन को समझने में दिक्कत भी है, ये एग्जांपल लेते हैं, बोलो तो ये वन वन होगा, जैसे टू माइनस टू ये फोर, ये फोर ले लेते हैं, ये सिक्सटीन ले लेते हैं, होगा ये वन वन फंक्शन होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा हम बोल रहे ना, होगा नहीं होगा, वन वन फलन होगा, फलन हो सकता, देखो फलन होगा, वन वन होगा, वन वन नहीं, वन मतलब, वन वन मतलब क्या, एक का एक को प्रतिबिंब बना, साधारण रूप से भी देख भी तो एक के एक है, एक के एक नहीं समझे, वन वन मतलब क्या हो गया, एक का एक, एक का एक है, दो का न एक हो गया, दो का न एक हो गया जी, एक का एक है, ये आपको वन वन फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन को किस नाम से हम पुकारते हैं बोलो, उसका और नाम क्या है, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, समझ गया ना, वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी समझ चुका है, इनको छाप लीजिए। डेफिनेशन क्या होगा, मैनी मैनी वन फंक्शन बहु एक ही नहीं हो सकता, हाँ जी बहु एक ही फलन का विशेषण हुआ, चलिए तो दूसरा डेफिनेशन क्या है, मैनी वन फंक्शन बहु एक फलन, इसका हिंदी क्या होता है, बहु एक फलन, अब देखिए बहु एक फलन होता है क्या, तो आप देखो इसको किस प्रकार से डिफाइन करोगे, ए फंक्शन लिख लिए हम एफ सजेट ए टू बी, एफ सजेट ए टू बी यानी एफ ए से बी क्या है, फंक्शन है, फलन इज सेट टू बी, इज सेट टू बी, इज सेट टू बी, मैनी कितने जाएंगे सर जी, मैनी वन फंक्शन सेट टू बी इफ एंड टू बी ओनली इफ इट इज नॉट one it is not one one not one one not one one but in fact there is something oh उतारते चलते मेरे मेरे साथ जी, सब उतारते जा रहे हैं, समझा है, मैनी वन फंक्शन इसको हम क्या कहते हैं, बहु एक फलन, इसका हिंदी क्या होता है, बहु एक फलन, देखो फलन इनका डेफिनेशन जो है, ये फंक्शन एफ सच डेट ए टू बी इज सेट टू बी many one function if and only if it is not one, समझ गया ना, मतलब f a से b में, f जो है a से b में फलन है, बहु एक फलन किए जाते हैं, बहु एक फलन किए जाते हैं, यदि और केवल यदि यह एक एक ही फंक्शन यानी एक एक ही फलन नहीं होगी,
मतलब वन वन फंक्शन नहीं है, समझ गया ना। जो फंक्शन वन वन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेनी वन कहते हैं। सिंपल रूप से परिभाषा कैसे याद रखेगा, वह फलन जो वन वन नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, मेनी वन कहते हैं, समझ गया ना। वह फलन जो वन वन नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, बोलो मेनी वन फंक्शन किसे कहते हैं, समझ गया ना। मेनी वन फंक्शन किसे कहते हैं, वन वन फंक्शन नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन कहते हैं। क्या है, टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव सेम इमेज इन बी, यानी एक के दो अवयवों का, एक के दो अवयवों का बी में एक ही प्रतिबिंब हो उसे हम क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन कहते हैं। या वो फंक्शन जो वन वन नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन कहते हैं। जैसे दो सेट हम ले लिए एफ जो है इसमें ए से बी में क्या है, एक फलन है, और यहाँ पर हम माइनस दो लेते हैं, यहाँ पर दो लेते हैं, यहाँ पर तीन ले लिए, ये चार, यहाँ पर नौ, दो माइनस दो चार से संबंधित, दो चार से संबंधित, तीन जो है नौ से संबंधित है, दिख रहा है ना। yes, sir. तो बोलो दो एलिमेंट का एक इमेज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। yes, दो एलिमेंट का एक इमेज हुआ कि नहीं हुआ, इसे हम क्या कहेंगे, मेनी वन फंक्शन। इसे हम क्या कहेंगे, अगर दो एलिमेंट का एक इमेज नहीं हो यानी एक का एक हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन। देखो ये वन वन फंक्शन है, ये वन वन नहीं है तो ये कौन फंक्शन है, यानी दो एलिमेंट का एक इमेज हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन कहते हैं। तीसरा क्या होता है, इसका सबसे सब्जेक्टिव वन टू और सर्जेक्टिव उतारते चलो तो मेरे साथ, वन सर्जेक्टिव तीसरा है, वन टू और एक फलन लिखने चला था। ये सर एग्जाम्पल हम लोग भी नहीं होता रहे, जान गए चले। फंक्शन क्या होता है, वन टू और इनको हम क्या बोलते हैं, दूसरा इनका जो नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन, समझ गया ना। yes, देखो वन टू इनका हिंदी क्या होता है, आच्छादक, समझ गया ना। इसी का एक अन्य दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव। वन टू हम फंक्शन को क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव। ये दोनों एक ही चीज है, दो नाम, समझ गया ना। एक ही फलन का क्या हो गया, दो नाम हो गया। देखो इनको हम क्या बोलते हैं, आच्छादक फलन। देखो इनका डेफिनेशन इस प्रकार से होगा, ए फंक्शन एफ सचेट ए टू बी इज सेट टू बी वन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन, समझ गया ना, सर्जेक्टिव फंक्शन। इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, समझ गया ना। इच एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ डेट इज इफ एंड ओनली इफ
For every Y belongs to B, then there exists X belongs to A, such that Y is equal to FX. Therefore, यहाँ पर क्या है? A function F such that A to B. F A से B में अच्छादक फलन किए जाते हैं, समझ गया ना? F A से B में अच्छादक फलन किए जाते हैं. यदि और केवल यदि बी के प्रत्येक एलिमेंट बी के प्रत्येक एलिमेंट समझ गया ना ए के किसी न किसी एलिमेंट का क्या हो इमेज हो समझ गया ना क्या हो इमेज हो यानी बी में जो भी एलिमेंट रहेगा जैसे कर लेते हैं जी ए और बी तो बी में जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा तभी हम क्या कहेंगे वन टू फंक्शन कहेंगे समझ गया ना कहने का अर्थ हो गया कि y b का सदस्य हो y b का सदस्य हो और x किसका सदस्य हो a का तो y बराबर क्या होगा एफ एक्स होगा तो इसका हम एग्जांपल जो है कल विस्तार पूर्वक समझेंगे समझ गया ना ये कैसे वन टू फंक्शन होगा और शॉर्ट डेफिनेशन भी देंगे ताकि एक लाइन का देंगे ताकि आपको याद हो जाए समझ गया ना यही ना इसका अर्थ हो गया कि एक्स ए का सदस्य हो समझ गया ना एक्स ए का क्या हो सदस्य हो ताकि देखो तब अस्तित्व क्या हो वाई यहाँ पर बी का वाई किसका सदस्य हो बी का वाई किसका सदस्य हो बी का तो वाई बराबर क्या होता है एफ एक्स वाई बराबर क्या होता है एफ एक्स होता है या सर्जेक्टिव फंक्शन अच्छादक फलन कहते हैं देखिए इनका जो एस डेफिनेशन है वो है कि इफ रेंज ऑफ एफ एफ का परिसर को डोमेन तो एफ का जो परिसर है वो को डोमेन के बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं वन टू फंक्शन कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं वन टू फंक्शन कहते हैं जैसे दो डायग्राम हम बनाते हैं ऐसे बना लिए ना ये एफ हो गया ए से बी में क्या है फलन है ना तो देखिए ये एक्स वाई जेड ये ए बी सी हो गया ना देखिए ए बी सी को हम क्या कहते हैं रेंज ए बी सी को हम क्या कहते हैं ए बी सी को हम रेंज कहते हैं और ये जो B है इसको हम क्या कहते हैं कोडोमेन B को हम क्या कहते हैं A को हम क्या कहते हैं डोमेन A को हम प्रांत कहते हैं हिंदी में और B को हम क्या कहते हैं सफरांत तो इसका जब आप रेंज लिखेंगे आर एन जी रेंज रेंज एफ तो बोलिए ये जो रेंज लिखेंगे तो रेंज में क्या सब एलिमेंट आएगा एबीसी एबीसी आएगा ना यहाँ पर आप लिख दीजिए ए बी सी कोडोमेन हम लिखेंगे तो इसमें क्या सब एलिमेंट आएगा कोडोमेन बोलिए तो ए बी सी ए बी सी ना आएगा जी ए बी सी ए बी सी तो देखिए एफ का जो रेंज है एफ का जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर हुआ कि नहीं हुआ हुआ ना इसी को हम क्या कहते हैं वन टू फंक्शन कहते हैं यदि मान के चलो कि इसी में क्या हो जाता जैसे अलग से हम एक डायग्राम और बना लेते हैं ये एफ जो ए से बी में क्या है फलन है तो इसमें एक दो तीन एलिमेंट है इसमें चार पांच छह सात एलिमेंट हो गया ना तो बोलो इसी को हम क्या कहेंगे इसको हम वन टू फंक्शन कहेंगे नहीं कहेंगे क्यों क्योंकि इसका रेंज क्या होगा चार पांच सौ इसका रेंज क्या हो गया चार पांच सौ अब देखिए कोडोमेन क्या हो गया चार पांच छह सात तो आप बोलिए क्या बराबर होंगे अगर इनको लिखना चाहो रेंज एफ रेंज एफ बराबर कोडोमेन होता है ना वन टू के लिए रेंज एफ बराबर क्या होता है कोडोमेन तो कोडोमेन हम किसको कहते हैं बी को कितने कहते हैं तो कोडोमेन ऐसे लिखेंगे अब देखिए रेंज में कौन सा एलिमेंट आएगा जैसे एक का रेंज क्या हो गया चार दो का पांच तीन का सौ सात किसी का रेंज नहीं ना है इसमें लिखेंगे चार पांच छह
छो लिख दिए, ये बराबर का चिन्ह है। कोडोमेन में क्या एलिमेंट आएगा बोलो, कोडोमेन में कौन सा एलिमेंट आएगा? चार पाँच छः सात, चार पाँच छः सात, चार पाँच छः सात हो गया ना। अब देखिए ये क्या बराबर है आपको सुने, है बराबर क्यों नहीं? देखिए चार पाँच छः तो मिल गया लेकिन सात है इसमें, तो सात रहता तब ना बराबर होता। तो रेंज जो f है वो कोडोमेन के बराबर हुआ नहीं हुआ? तो ये आपको वन टू फंक्शन नहीं होगा, समझ गया ना? तो देखिए वन टू के लिए इस प्रकार से भी समझेंगे, यदि b में एक भी एलिमेंट नहीं बचे, समझ गया ना? b में एक भी एलिमेंट नहीं बचे, यानी b का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो? इमेज हो। b का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो? इमेज हो। इमेज हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वन टू फंक्शन, अच्छा द फलन। क्या फैक्ट होता है एन फंक्शन ग्रेटर इक्वल टू एन बी, किसका है? वन टू, वन टू, वन टू का, समझ गया ना? यदि एन ए ग्रेटर इक्वल टू क्या हो? एन बी, एन ए ग्रेटर इक्वल टू क्या हो? एन बी, तो उसको हम क्या कहते हैं? वन टू फंक्शन। और एकदम शॉर्ट में समझ गया ना? यदि एफ ए से बी में फलन हो, एन ए ग्रेटर इक्वल टू एन बी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव में देखो पूछ सकता है इसी प्रकार से, चार ऑप्शन रहेंगे, कभी आपको इधर घुमा के दे देंगे, सी में रहेगा ए और बी दोनों, डी में रहेगा, इनमें से कोई नहीं, किसमें मारेगा? जिस ऑप्शन में ये रहेगा ये मान उसी में मारेगा, ठीक? इसलिए इनको क्या करेंगे पूरी। चौथा होता है फंक्शन इनटू फंक्शन, इनटू इनटू फंक्शन, हिंदी इनका होता है अंत छेपी फलन, अंत छेपी फलन। इनका परिभाषा लिखिए, ये फंक्शन f such that a to b, f such that a to b is said to be, is said to be into into function if range f domain को domain को domain, या ये चीज नहीं लिखना चाहेंगे ना तो इनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये जो रेंज f होगा ये b का क्या होगा? सबसेट होगा। अब देखिए इसी कड़ी में जो है चौथा डेफिनेशन जो होता है वो होता है आपको इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, इनका हिंदी क्या होता है? अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी फलन। तो देखिए इनका डेफिनेशन इस प्रकार से है कि ये फंक्शन f सच डेट a टू b इज सेट टू b इनटू फंक्शन इफ रेंज f सबसेट, समझ गया ना? इसको प्रॉपर सेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर सेट। तो ये सबसेट ही, प्रॉपर सबसेट, तो ये आपको क्या हो गया? सबसेट ही हुआ। तो प्रॉपर सबसेट क्या हो गया? कोडोमेन, या रेंज एफ प्रॉपर सबसेट क्या हो गया? बी। देखो इनका हिंदी क्या हो गया कि एफ ए से बी में, एफ ए से बी में अंतःक्षेपी फलन कहे जाते हैं, अंतःक्षेपी फलन कहे जाते हैं यदि एफ का परिसर, एफ का परिसर या परिसर एफ, परिसर एफ कोडोमेन आपको उपसमुच हो कोडोमेन का, उपसमुच हो कोडोमेन का। तो अब यहाँ पर उपसमुच आ गया ना, तो बोलो उपसमुच किसे कहते हैं? सबसे यदि के प्रत्येक एलिमेंट बी में हो तो कौन उपसमुच होगा? ए होगा कि बी होगा? ये लड़का जो बोला कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो तो सबसेट ए होगा कि सब बी होगा? सबसेट बी मारेंगे, एन होगा ए का
ए का प्रत्येक एलिमेंट बोल रहे हैं, जैसे ए में जो है एक दो तीन हो गया ना, उसके बाद ये बी में क्या हो गया एक दो तीन चार हो गया ना। अब देखिए ए का जो है प्रत्येक एलिमेंट किस में है, बी में है ना, तो सबसेट कौन होगा, ए होगा सबसेट। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, समझ गया ना, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में हो, बी में। तो यहाँ पर देखो इक्वल टू जो रहता है तो इसका अर्थ हो जाता है कि एलिमेंट बराबर भी हो सकता है, एलिमेंट बराबर हो सकता है। लेकिन इसके लिए देखिए यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाएंगे, इक्वल टू यहाँ पर नहीं लगाएंगे। इक्वल टू अगर लगा दिया तो बराबर हो गया, लेकिन ये कह रहा है क्या होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट क्या होना चाहिए, यानी आपको जो है कि हमेशा कोडोमेन में जो है रेन से ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए, कोडोमेन में रेन से ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, समझ जाओगे। देखो जैसे हम दो सेट ले लेते हैं ए और बी, एफ ए से बी में क्या है फलन है ना, तो इसमें एलिमेंट देखो एक दो तीन ले लिए ना, इसमें चार पाँच छ और सात ले लिए। एक किससे रिलेटेड है, चार से, दो किससे रिलेटेड है, पाँच से, और तीन किससे रिलेटेड है, छ से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक एलिमेंट जो है आपको सात, वो एक किसी एलिमेंट का इमेज है नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा आपको इनटू फंक्शन होगा। कौन फंक्शन होगा, मतलब इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा बचना चाहिए जो वो ए के किसी एलिमेंट का इमेज ना हो। ये जो साथ है कि ए हो गया, इसके किसी एलिमेंट का इमेज है, बाद में चार किसका इमेज है, एक का, पांच किसका इमेज है, दो का, छह किसका इमेज है, तीन का, लेकिन ये जो सात है किसी का इमेज नहीं है, ये किसी का इमेज नहीं है। तो इसीलिए ये कौन से फंक्शन होंगे, इनटू। अब इनटू फंक्शन क्यों होंगे, देखो डेफिनेशन क्या है, रेंज एफ, एफ का रेंज वो बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। तो देखिए जैसे हम रेंज हम लिख लेते हैं, एफ का रेंज क्या होगा बोलो, तो एफ का रेंज क्या सब हम लिखेंगे, चार पाँच छ, क्या लिखेंगे, चार पाँच छ। उसके बाद देखो कोडोमेन है ना, कोडोमेन, तो कोडोमेन में क्या सब एलिमेंट आएगा, चार पाँच छ सात, चार पाँच छ सात। अब देखो ये रेंज का जो है प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन में है कि नहीं है, रेंज का प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन में है ना। देखिए रेंज आपको अब क्या हो गया, चार पाँच छ, कोडोमेन क्या हो गया, चार पाँच छ सात। देखिए चार है ना, पाँच है ना, छ है ना, तो रेंज का प्रत्येक एलिमेंट किसको एलिमेंट बोलते हैं, चार को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट, हिंदी में अवयव कहते हैं, अवयव या सदस्य, सदस्य। तो चार जो कहते हैं, चार पाँच छ तीनों को ना कहते हैं, चार पाँच छ को भी ना कहेंगे एलिमेंट, कौन चार पाँच सर जी, चार को आप बोले चार को एलिमेंट कहते हैं, मिडिल कोस्ट में है ना, सबको तो कहेंगे ही ना, ये कोनो नई बात है ना। आप बोले क्या चार को एलिमेंट कहते हैं, देखो चार पाँच छ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स प्लूरल नहीं लगेगा, करेगा सिंगल एलिमेंट ना होगा, सब एलिमेंट्स है ना जी, तो चार को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट, समझ गया ना, चार पांच भी एलिमेंट हुआ, छह भी एलिमेंट हुआ, इसमें जितने भी रहेंगे सभी को हम क्या कहते हैं, सभी को हम एलिमेंट्स कहते हैं, प्लूरल कर देगा, समझ गया ना। देखो इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए जो रेंज है यह सबसेट किसके होगा, हो गया ना, तो डेफिनेशन तो वही ना है जी, हुआ कि नहीं हुआ, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन, इसी को हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन। कभी बोलेगा अभी, नो सर, आप बोलो, एक हम एग्जांपल और लेते हैं, तुम लोग बोलो ये इनटू फंक्शन होगा कि नहीं होगा,
सारे कर लीजिए तो सही। ये एफ हो गया, ये ए, ये बी, ये ए बी सी एक्स वाई जेड, ए एक्स से रिलेटेड है, बी वाई से, सी जेड से। तो बोलो ये इनटू फंक्शन होगा? नहीं, ये इनटू फंक्शन होगा? क्यों नहीं होगा? बी में जो है कॉन्स्टेंट एक और एलिमेंट होना चाहिए, समझ गया ना, जो ए के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं होना चाहिए था। लेकिन बी का सभी एलिमेंट क्या हो गया? बी का अगर सभी एलिमेंट इमेज हो गया तो इनटू फंक्शन, बी का अगर सभी एलिमेंट इमेज हो गया तो इनटू फंक्शन नहीं होगा, वन टू फंक्शन होगा। जी सर, होगा ही, उनका परिभाषा है। बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो? इमेज हो, समझिए ना, बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो? इमेज, यानी ये कि किसी न किसी एलिमेंट का क्या हो? इमेज हो, तो हम क्या कहते हैं, वन टू फंक्शन। देखो वन टू इनटू में कोई खास अंतर नहीं है, वन वन टी ओ टू होता है ना जी, इनटू आई एन, सिर्फ ओ की जगह क्या हो जाता है इनटू, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो समझ लो, यदि बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, बी का प्रत्येक एलिमेंट ये कि किसी न किसी एलिमेंट का क्या हो, इमेज हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वन टू फंक्शन। हम क्या कहते हैं, वन टू फंक्शन। और यदि बी में एक एलिमेंट ऐसा हो, बी में एक एलिमेंट कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो एक किसी एलिमेंट का इमेज नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन, जो अभी लिखा है, समझ गया ना। कम से कम मतलब एक से अधिक भी तो रह सकता है, कम से कम का मतलब क्या हो गया, एगो रहेगा ही, कम से कम मतलब एगो रहेगा ही, एक से अधिक, समझ गया ना। अगर हम कह देंगे कि कम से कम एगो आदमी इस रूम में रहेगा, कम से कम एक आदमी इस रूम में रहेंगे, तो समझ सकते हैं ना, एक से अधिक भी आ सकता है ना। हम कह देंगे कि अधिक से अधिक एगो रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तो दू गो भी ले आएगा, नहीं ना, समझ गया ना। तो कम से कम एक कह रहा है तो एगो तो रहना ही चाहिए, उससे जितना अधिक हो जाए कोई मतलब नहीं है। तो ये जो है आपको इनटू फंक्शन होगा, नहीं होगा, फंक्शन होगा। इसमें लिखोगे एफ इज नॉट इनटू फंक्शन। अच्छा, इसको देख के क्या एक चीज फैक्ट निकल के आया है बोलो तो, कौन चीज, कि जो फंक्शन वन टू होगा वो इनटू फंक्शन नहीं होगा, जो फंक्शन वन टू होगा वो इनटू नहीं होगा, और जो इनटू होगा वन टू नहीं होगा, बोलेगा भी सर। अच्छा, ये फंक्शन देखो तो वन वन होगा क्या सर? ये फंक्शन जी सर वन वन, ये वन वन भी हो सकता है, वन टू भी हो सकता है, लेकिन इनटू, अच्छा ये फंक्शन कौन फंक्शन हो सकता है बोलो तो, इनटू फंक्शन, और वन वन होगा, फंक्शन नहीं होगा, वन वन क्यों नहीं होगा, एक का वन वन ना सर जी, वन टू फंक्शन नहीं होगा। तो हम पूछ क्या रहे हैं, क्या पूछ रहे, ये जो आपको क्या है वन वन होगा ये फंक्शन, वन वन मतलब एक का एक, एक का एक, एक एलिमेंट का एक इमेज, यानी एक का एक, एक का एक, देखो एक का एक हो गया ना, उसी को ना वन वन कहते हैं जी, एक का एक को हम क्या कहते हैं, वन वन। और दो का एक हो जाए तो हम क्या कहते हैं, मैनी वन, मैनी वन, मैनी मैनी मतलब अनेक, मैनी मतलब अनेक, वन मतलब एक, यानी अनेक का एक, अनेक का एक, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहु एक फलन, मैनी वन। एक का एक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन। देखो एक का एक है ना, तो ये फंक्शन आपको इनटू फंक्शन भी हुआ और वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन भी हुआ, मैनी वन फंक्शन होगा नहीं होगा, नहीं होगा। मैनी वन का मतलब हो गया, जैसे एक का एलिमेंट चार है तो दो का भी एलिमेंट क्या होना चाहिए था, यानी जो फंक्शन जो है आपको वन वन है वो मैनी वन नहीं होगा, जो मैनी वन है वो वन वन नहीं होगा। इसको उतार लीजिए,
बाइजेक्टिव और वन 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 टू फंक्शन, बाइजेक्टिव और वन 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 टू फंक्शन। देखो वन 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 टू, वन 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 टू, इसी का दूसरा नाम क्या है बाइजेक्टिव, या बाइजेक्टिव को हम क्या कहते हैं वन वन और वन टू। इनका हिंदी होता है एक एक ही अच्छादक फलन, हिंदी क्या होता है एक एक ही अच्छादक फलन। तो देखिए ए फंक्शन एफ सच डेट ए टू बी इज सेट टू बी बाइजेक्टिव और वन 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 टू फंक्शन इफ एंड ओनली इफ इट इज बोथ वन वन एंड वन टू। ये क्या हो गया डेट इज इफ एंड ओनली इफ, यदि केवल यदि। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी, यानी ए के भिन्न भिन्न अवयव का इमेज है, भिन्न भिन्न क्या होना चाहिए प्रतिबिंब होना चाहिए। उसके बाद है कि ईच एलिमेंट ऑफ बी, ईच एलिमेंट ऑफ बी यानी बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी एलिमेंट का क्या हो इमेज हो, समझ गया ना, बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी एलिमेंट का क्या हो इमेज, तो उसे हम क्या कहते हैं वन टू नहीं कहते हैं जी। तो ये आपको वन वन का परिभाषा हो गया, ये क्या हो गया वन टू का। तो वह फलन जो आपको क्या हो एक एक की और अच्छादक हो, वह फलन जो एक एक की और अच्छादक हो उसे हम क्या कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। बोलो बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं वह फंक्शन जो वन वन और वन टू हो उसे हम क्या कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। आप बोलो बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं वह फंक्शन जो वन वन फंक्शन और वन टू फंक्शन हो उसे बाइजेक्टिव। आप बोलो वह फलन जो वन वन और वन टू हो उसे ही बाइजेक्टिव फंक्शन। आप बोलो बाइजेक्टिव किसे कहते हैं वह फंक्शन जो वन वन और वन टू हो उसे बाइजेक्टिव। आप बोलो वो फलन जो वन वन और वन टू हो। आप बोलो वो फलन जो वन वन और वन टू हो उसे हम क्या कहते हैं, मतलब हिंदी में क्या कहेगा वह फलन जो एक एक ही और अच्छादक हो उसे हम क्या कहते हैं बाइजेक्टिव फलन, समझ गया ना, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं हिंदी में। क्या बोलोगे एक एक ही अच्छादक फलन कहते हैं। आप बोलो परिभाषा वह फंक्शन जो वन वन और वन टू दोनों हो उसे। आप बोलो वह फंक्शन जो वन वन और वन टू दोनों हो उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। समझ गया ना, जो फंक्शन आपको वन वन होगा और क्या होगा वन टू होगा उसे हम क्या कहते हैं। देखो ये आपको वन वन का डेफिनेशन हो गया, ये आपको वन टू का हो गया, समझ गया ना। ये के भिन्न भिन्न अवयव का बी में क्या हो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो तो उसे हम क्या कहते हैं वन वन फंक्शन। एक एक ही फलन कहते हैं, ये के भिन्न भिन्न अवयव का बी में क्या हो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो उसे हम क्या कहते हैं एक एक ही फलन। उसके बाद अच्छादक फलन किसे कहते हैं ईच एलिमेंट ऑफ बी, यानी बी के जो प्रत्येक एलिमेंट है ये के किसी न किसी एलिमेंट का क्या हो इमेज हो तो उसे हम क्या कहते हैं वन टू फंक्शन कहते हैं। समझ गया ना, इसका अर्थ ये हो गया कि बी में एक को एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, यानी बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए इमेज। एग्जांपल के रूप में देखो अगर दो सेट रहेगा ये आपका क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी, एस बी में क्या है फलन है ना, ये एक्स वाई ये जेड हो गया, ये क्या हो गया ए बी सी। देखिए ए एक्स ए से रिलेटेड है और वाई बी से, जेड किस से रिलेटेड है सी से, है ना जी। तो ये फंक्शन आपको क्या है इसे हम क्या कह सकते हैं वन 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 और वन टू भी ना कह सकते हैं, क्योंकि बी में देखिए एक को एलिमेंट है ऐसा बचा हुआ जो इमेज नहीं है, सब एलिमेंट है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं वन टू फंक्शन। यानी ये फंक्शन जो आपको वन वन भी है और वन टू भी है तो इसे ही हम क्या कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, समझ गया ना। वह फंक्शन जो वन वन हो और वन टू हो उसे हम क्या कहते हैं या वन 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 टू, डायरेक्टली एक बार नाम ले लो वन 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 टू, समझ गया। इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकता है, तभी जो हम बताए थे ये फंक्शन एफ सजेट ए टू बी इज सेट टू बी बाइजेक्टिव या वन 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 टू फंक्शन, समझ गया ना। तो एफ इज बोथ वन वन एंड वन टू, एफ क्या हो वन वन भी हो और वन टू भी हो, इसको हम क्या कहते हैं बाइजेक्टिव, उसे ही हम क्या कहते हैं यानी एक एक ही अच्छादक फलन कहते हैं। तो आप तुम लोग मिस भी करेगा इसकी डेफिनेशन को,
डिफाइन करेगा मतलब वही फलन क्या कहलाएगा बायजेक्टिव जो वन वन और वन टू होगा यानी वन 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 टू जो फंक्शन हो उसे हम क्या कहते हैं बायजेक्टिव।